आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं सुषमा सिंह। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रवेश परीक्षा परिणाम पर छात्रों का संग्राम जारी है। नाराज छात्रों ने एक बार फिर सेंट्रल ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पूर्व में छात्र अपनी कॉपी दिखाए जाने की मांग पर अड़े हुए थे, जिसे लेकर छात्रों और प्रोटोरियल बोर्ड के बीच नोकझोंक भी हुआ। इसी महीने 19 अक्टूबर को बीएचयू बीए प्रवेश परीक्षा परिणाम आया था, जिसे देखने के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भेदभाव और बेईमानी के गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही न्याय पाने के लिए धरना दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने मामले को दबाने के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोई ठोस परिणाम न आने से नाराज छात्र फिर से मंगलवार रात से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मंगलवार रात जब छात्र अपने मांग के समर्थन में जब एक बार फिर सड़क पर उतरे, तो मौके पर पहुंची पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान छात्रों को डराने और भगाने के नियत से डंडे और पैर चलाए गए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। अच्छा, तो आप जैसे कि आप किस तरह का आप लोग सेंट्रल ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रही हैं? क्या रीचेकिंग कॉपी पे आपको संदेह है बीएचयू प्रशासन के ऊपर? यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से बहुत बायस मार्क्स दिया गया है सारे बच्चों को। क्या आप साबित कर सकती हैं? आपको इतना कंफर्म कैसे है? क्योंकि हमारे सहपाठी जो हमसे ज़्यादा डिजर्विंग नहीं थे, वो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, तो हम मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और हम लोग का रैंक में भी नहीं आया है, हम लोग का एडमिशन के लाले पड़ गए हैं यहाँ पे। कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग यहाँ पे 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, रात 3 से, और इसके पहले भी हमने 2 दिन पहले से किया था, उसके बाद भी हम आगे पीछे आ ही रहे हैं। जब से रिजल्ट निकला है तब से हम लेकर आज तक परेशान ही हैं, 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, जो परीक्षा जात की कॉपी है, क्या उनके प्रोफेसर या फिर कोई अधिकारी आपसे मिलने आया था, कोई संतुष्टि दिलाने आया था आप लोगों से? जी नहीं, कोई नहीं मिलता है कभी भी। तो क्या आप उम्मीद लगा कर आई हैं बीएचयू प्रशासन से और सरकार से क्या मांगे करना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि एजुकेशन, यहाँ पे ये एजुकेशन का मंदिर है ना, यहाँ पे हमारे विद्या को यहीं सामने में मिलती है, यहाँ पे लोग आते हैं हाथ जोड़ते हैं और यहीं पे विद्या माता को लात से हटाया जाता है और बच्चों को लात से घसीटा जाता है। कौन करता है ये? यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सर। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? सिक्योरिटी इंचार्ज का क्या नाम है? हसन अब्बास जैदी। अच्छा, तो आप क्या सरकार से क्या मांग करेंगी बीएचयू प्रशासन से? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी कॉपी निष्पक्ष भाव से चेक हो, एकदम फेयर, सबके सामने कैमरा, अगर आप सब इतना मेहनत करके टीचर बुला सकते हैं तो एक कैमरा लगा करके आप चेकिंग भी करा सकते हैं, बस हमें ये प्रूफ चाहिए कि हमारे सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। सुनने के लिए भी नहीं, हम लोग चिल्ला रहे हैं सर, एक बार सुन लीजिए सर, 2 मिनट सुन लीजिए, कुछ भी नहीं। ठीक, धन्यवाद। सिक्योरिटी इंचार्ज को हम लोग को रोक रहे थे उनसे मिलने के लिए। कौन सिक्योरिटी चार्ज का नाम कुछ बताएंगे? नहीं, इंचार्ज का नाम ही नहीं बता है। वो लोग गार्ड थे। हाँ। तो क्या कुछ नाम वगैरह या फिर कुछ? आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।